होपफुली चीज़ें सारी अच्छे से पहुंच जाए और अपनी राइड शुरू हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। हो गिरते हुए बच्ची अभी महंगा नुकसान हो जाता अभी। तो अभी फाइनली टाइम हो चुका है 3:45 एंड टुडे इज 20th। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बाइक यहाँ से शिफ्ट कराने के लिए हम लोग जाने वाले हैं जयनगर के पास में एक लोकेशन है, वहाँ से हम लोगों की बाइक सारी लोड हो जाएंगी। तो अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से। भाई ने लेता है नया फ़ोन आईफोन, तो अभी रील आएगी मस्त। तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए स्पेशली लिया है यार। मतलब रील्स का जो क्वालिटी है ना आईफोन में ज़्यादा बेटर रहता है। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीधा ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है वहाँ से जाके देन बाइक वाइक हम लोगों को शिप करनी है। हाँ, अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया था इसलिए मैंने एक्चुअली राइडिंग जैकेट पैंट वैंट दोनों ही पहन लिया है, क्योंकि अभी अपने को जाना रहेगा यहाँ से राइट लेके जाने से पहले। $200 का डालना भैया। तो अभी जो पेट्रोल है मैंने सिर्फ पड़वाया है ₹200 का, क्योंकि उससे ज़्यादा पड़वाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। वो वैसे भी पूरा बाइक आइडल स्टेट में ऑन करके छोड़ देते हैं जब तक पूरा पेट्रोल नहीं ख़त्म हो जाता। तो इसलिए कभी भी बाइक वाइक शिपिंग करने जा रहे हो तो बेटर है कि पेट्रोल जितना कम हो सके उतना डाल के जाओ, जिससे कि बस आप लोग लोकेशन पर पहुँच जाओ। अभी यहाँ से हम लोगों को जाना है अराउंड 13 किलोमीटर दूर, जहाँ पे हम लोगों की बाइक शिपिंग के लिए, मतलब वही ट्रक में लोड होगा सामान। तो बाइक ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोगों को जो टाइम बताया है बेसिकली वो है 5 डेज। तो मतलब 20th को जैसे आज हम लोग शिप कर रहे हैं तो आज रात में यहाँ से ट्रक निकलने वाला है एंड वील गेट अवर बाइक्स ऑन 25th। तो 25th को हम लोग जैसे नाइट में फ़्लाइट है, मतलब इवनिंग में फ़्लाइट है एंड हम लोग रात में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो होपफुली मतलब सब सही रहे एंड टाइम पे हम लोगों को बाइक्स जो है वो भी डिलीवर हो जाए, ताकि 26th से हम लोगों का राइड बराबर से चालू रहे। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम लोगों का जो यहाँ से जा रहा है वो ट्रक है, एक वो 10 टायर्स वाला जो ट्रक आता है वो है 2.6 लाख में। मतलब हम लोगों को यहाँ से जाना ट्रक्स सारा शिपिंग करेगा एंड उसके साथ में देन हम लोगों को जितने दिन भी वहाँ रुकेगा ट्रक उस चीज़ का चार्जेस लग रहा है एंड फिर उसके बाद वहाँ से वापस आने का। तो ओवरऑल जो प्राइस पड़ रहा है 2.6, मतलब वैसे तो है ज़्यादा, बट अगर काफ़ी सारे लोग जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में मतलब सही पड़ जाता है प्राइस, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से कोई सा भी सुपर बाइक या इनलाइन फोर, मतलब कोई सा भी महंगी बाइक्स अगर लेके जाते हैं तो पेट्रोल का प्राइस वैसे भी उतना ही पड़ जाता है, प्लस आप लोगों का एक्सपेंस हो गया, देन उसके बाद में ब्रेक पैड्स हो गए। तो अगर हर चीज़ का ओवरऑल कैलकुलेट करके चलोगे इस हिसाब से बेटर यही रहता है कि आप लोगों को जो बाइक है वो शिप कर दो एंड देन उसे होता ये है कि हम लोगों को बाकी जो डेज़ है ना वहाँ पे घूमने के लिए वो अच्छे खासे डेज़ मिल जाते हैं घूमने के लिए, तो आराम से जगह को एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ मैं लास्ट राइड जैसे लद्दाख राइड मारा था मैंने, मतलब हम लोगों ने 16 डेज़ में कवर किया था, तो उसमें से थ्री टू फोर डेज़ हम लोगों को यहाँ से जाना, 3 to 4 डेज़ वहाँ से आना, बीच में जितने दिन बचे हम लोगों ने ट्राई किया, जितना कवर हो सकता था हम लोगों ने कवर किया। और मतलब बहुत ज़्यादा हरी रन टाइप सा था, मतलब उसमें इंजॉय करे बट उस लेवल का नहीं कि मतलब जाके एक जगह चिल मार रहे हैं, वैसा टाइप से नहीं हो पाया। बस ये था कि पूरा दिन राइड कर रहे हैं, जहाँ पे डेस्टिनेशन आ रहा है वहाँ पर रुक जा रहे हैं, देन थोड़ा सा वहाँ का लोकल वाइब इंजॉय कर रहे हैं, देन उसके आगे कंटिन्यू कर दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ सीन था। तो वो चीज़ आई होप इस टाइम में ना हो, क्योंकि हम लोगों का जो डिस्टेंस है पर दिन, जो पर डे हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है एंड प्लस हम लोगों के पास में मतलब अच्छा खासा जो टाइम है वो बच जाएगा। तो ओवरऑल ये हो जाएगा कि मतलब हम लोग अच्छे से जगह एंजॉय कर पाएंगे, कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो बाकी जो राइड की मतलब हम लोगों ने प्लानिंग की है वो कुछ इस तरीके से कि हम लोग यहाँ से गुवाहाटी से स्टार्ट करेंगे, गुवाहाटी से हम लोग जाएंगे मेघालय एंड मेघालय में कुछ प्लेसेस हैं वो कवर करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग जाएंगे असम में ही अपर साइड में, मतलब वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे तवांग सेला पास और वो सारी जगह एंड उसके बाद में हम लोग जाएंगे
टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। तो एक चीज़ और मेरी पेंडिंग है जो कि मेरे को आगे वाले ब्रेक पैड्स लेने हैं, तो वो चीज़ मैं कैरी करूँगा साथ में। एंड लगेज सिस्टम की अगर बात करें तो लगेज में मैंने 2 सैडल बैग्स हैं मेरे पास में, मतलब बेसिकली जो SW मोटरटेक का जो सैडल बैग्स मैंने थोड़ा दिन पहले लिया था, तो वो आप लोगों को अगर देखना है तो ये ऊपर आई नोटिफिकेशन आ रही है, उससे जाके देख लो। एंड उसके बाद में एक ये GB का टैंक बैग हो गया, और उसके अलावा एक रहेगा मेरा कार्बोनेटर का जो जिसमें हाइड्रेशन बैग रखता हूँ मैं, तो उसमें क्या है ना, उसमें हम लोगों का लैपटॉप और हाइड्रेशन बैग आ जाएगा। एंड उसके साथ में एक टेल बैग लेके चल रहा हूँ, जो टेल बैग मैं यूजुअली कैरी करता हूँ, तो उसको बंजी कॉर्ड से कुछ बांध देंगे तो बाकी जो ड्रोन सेटअप और वो बाकी सारी चीज़ें रहेगी वो सब आ जाएगी। अभी देखो यहाँ से कुछ सिर्फ 1.4 किलोमीटर रह गया, तो पास ही है, तो आज ज़्यादा एक्चुअली ट्रैफिक नहीं मिला मेरे को। थोड़ा सा जो मलेश्वरम वाला साइड का था, वो जो लंबा रोड पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो यार बिल्कुल वॉट लग जाती है। अभी यहाँ से थोड़ा सा और आगे चले जाते तो कावासाकी सर्विस सेंटर भी आ ही जाता है। तो प्लान ये है कि हम लोग बाइक जो है इसी टाइम पे ही अगर लोड करवा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोगों की आंखों के सामने हो जाएगा ये काम, तो हम लोग निश्चिंत रहेंगे थोड़ा सा कि बाइक वाइक सेफली पहुंच जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ यही रहती है कि लोडिंग अनलोडिंग में जो भी लेबर्स होते हैं जो काम करते हैं, मतलब बेसिकली चढ़ाते हैं ना बाइक, वो ज़्यादा ध्यान से देखते नहीं है टेल वेल और टेल लाइट और ये मिरर विरर अक्सर करके, मतलब कुछ ना, मतलब जब भी ट्रांसपोर्ट करो टूट ही जाता है। तो देखो लगेज सिस्टम अपना कुछ ऐसे ही रहेगा, ये वाला हो गया मेरा मोटोटेक का बैग, और मतलब है काफ़ी स्टेबल। एंड उसके बाद में ये GB का टैंक बैग हो गया, और यहाँ पे एक टेल बैग आ जाएगा तो जिसमें कि ड्रोन और बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो मामला तो सेट है। और एक हाइड्रेशन बैग और रहेगा जो कि मैं बैग में कैरी करूँगा, क्योंकि बाकी मैं सोच रहा था कि ये अभी जो मेरे पास कार्बोनेट वाला बैग है, दिखा देता हूँ इसको भी, पहले मैं सोच रहा था ये वाला बैग कैरी करने के लिए, बट ये वाला बैग कैरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा एंड बैक पेन कर सकता है। किधर उधर, चलो आगे सारे में धूम मचाते हुए। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसी होने वाला है। इधर नहीं है, इधर नहीं है। ओके ओके ओके, यहाँ पे खड़ा हुआ ट्रक, तो आई थिंक यही वाले ट्रक्स हैं। क्या बात है, 1, 2, 3 ट्रक हैं, तो यहीं से चढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे इनका एक्चुअली ट्रक सर्विस का, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे साइड में पार्क कर देते हैं, इधर साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। हेलो, ये टैंक बैग मस्त है, इसमें आ गया। उसी के लिए बनाया गया। तो ये क्या चिपक गया क्या? नहीं। अच्छा ऐसे ही फंसा हुआ है बस। ओके ओके, हाँ बस सही है। अरे ये देखो रिट्रीवर आ गया। तो गाइस देखो फाइनल लोकेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ से हम लोग की बाइक शिपिंग होनी है। तो अभी यहाँ पे आ चुकी है जो बाइक्स हम लोग शिप करने वाले हैं, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से शुरू करते हैं। सो दिस इज़ GSX S750। इसका भी पूरा टैंक बैग और बाकी सारा जो अपना सैडल बैग्स है ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देन Ducati Multistrada V4S, जहाँ पे हर चीज़ फिट है बराबर से, तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में ब्लू भाई का ये एरोक्स, तो इनका सामान सब कुछ आ चुका है। ये तो वैसे मेरा बैग है। हेलमेट वेलमेट हम लोग ऐसे ही यहाँ पे जो इसके हेलमेट का कवर आता है उसमें भेज रहे हैं। एंड उसके बाद में देन कावासाकी Z800 जो अपनी है, तो ये देखो अब यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो पैंट में आ गया हूँ, हाफ पैंट में आ गया हूँ। तो अभी यहाँ से हम लोगों का जो राइडिंग पैंट है, राइडिंग बूट्स है और जैकेट, ये तीनों चीज़ें इसमें आ गई हैं। इसको थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे रेन कवर चढ़ा दिया ताकि ये थोड़ा सा ना सेफ़ रहे, क्योंकि ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट शीट है तो स्क्रैच आ सकता है इसमें। एंड बाकी सारा चीज़ें तो ऑलरेडी फिटेड है। देन दिस इज वर्सेस 1000, और यहाँ पे भी सेम, मतलब लगेज सब सेटअप ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। एंड यहाँ पे टेल बैग है वायटेरा वाला। एंड एक चीज़ अच्छी ये रहती है कि अगर बैक में मतलब टॉप रैक लगता है तो आप लोगों का जो हेलमेट है वो सही से आता है। देन रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350, और यहाँ पे भी पूरा सामान वामान पीछे टेल बैग में आ गया है। और Ducati स्क्रैम्बलर, इसमें भी उनका सामान आ रहा है पीछे। एंड दिस इज़ डोमिनोर, और डोमिनोर में भी सारा लगेज ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब यहाँ से सारा बाइक वाइक चढ़ जाएगा, रैंप लगा हुआ है, तो आई थिंक स्पेस तो इनफ है। अच्छा है ना, नाइस, बराबर से आ जाएगा। नहीं नहीं सर, एक बार होटल, एक एक बार बुकिंग।
अच्छा तो 5 डेज में पहुंचा देंगे एक एक बार फरा का ब्रिज आप ही चला के जा रहे हो चलो बढ़िया तो होपफुली चीज़ें सारी अच्छे से पहुंच जाए और अपनी राइड शुरू हो जाए तो मज़ा आ जाएगा अलग ही लेवल की एक्सपीरियंस है यस सर फैन मूवमेंट फैन मूवमेंट तो अभी यहाँ से बाइक वाइक लोड हो जाती है तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोड हुई है और देन ऑल सेट अभी फीलिंग आ रही है मतलब अच्छे से वाइब आ रही है मतलब नॉर्थ ईस्ट वाली राइड शुरू होने वाली फाइनली हो गिरते हुए बची अभी महंगा नुकसान हो जाता है अभी पकड़ ली सबने तो अभी बाइक वाइक का लोडिंग शुरू हो चुका है पहली आई है मतलब बल्टी स्टार्ट सबसे एंड में जब तक अपना बाइक का लोडिंग चल रहा है तब तक यहाँ पर थोड़ा सा टी स्नैक टाइम पे आ गए क्या क्या खा रहे हो भाई आने का तो हो गया खत्म अभी आने के बाद जो पीने का रहता है उसका प्लानिंग आप क्या ये एरो स्कूटर खरीदे उसके बाद इडली वड़ा खा रहे हो उसके बाद मतलब पिज्ज़ा खाना चाहिए हर इवनिंग चलो तो फिर हम लोगों ने भी कुछ ऑर्डर किया इडली वड़ा और अभी चाय वाय बन रही है तो उसके बाद में खाते पहले ये ख़त्म करते हैं देन उसके बाद हम दोबारा बाइक लोडिंग के लिए जाते हैं तो अभी अपनी बाइक लोड करने का टाइम आ गया है अभी लगाते हैं ट्रक पे क्या आई यू हॉट हॉट क्यों हो गया क्या अलाउड नहीं है गाड़ी के अंदर नहीं नहीं इस तुम्हारी तरफ है इसलिए बड़ी मेहनत चल रही है भाई है रेंज है सर तो अभी दो बाइक्स ऑलरेडी फिट हो चुकी है उसमें कि एक है डोमिनर एक है स्क्रैम्बलर मस्त तरीके से यहाँ पे नीचे एक्चुअली अंधेरा हो गया थोड़ा सा लाइट जाता है नहीं बट वो ब्लर वाला था मेरे फोन का क्या पता है बोला 28,000 देगा फिर आया वो आगे बड़ा सारी फोन बैंड है तो 7,000 काम ही था अरे अरे उसको थोड़ा सा सही कर देता ना क्रोमा में क्यों नहीं दिए क्रोमा में दे क्रोमा में ज्यादा नहीं आएगा ना क्रोमा में और कम वो 17-18,000 अच्छा ना तो कितनी मेहनत लग रही भाई तो अभी तक की सबसे डिफिकल्ट लोडिंग चल रही है मल्टी स्टार्टर की वर्सेस तो समहाउ फिक्स हो गई है मतलब यहाँ पे फ्रंट में स्ट्रेट में तो गाइस अभी सामान फाइनली लोड हो चुका है एंड यहाँ पे आप लोग देख लो तो सारा चीज़ें आराम से सेट हो गया है बैग बैग बबल रैप हो गया तो अभी यहाँ से निकलते हैं काफ़ी टाइम लग गया तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड दिस इज़ द ड्राइवर साइनिंग ऑफ टेक केयर बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग